स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, कह सकते हैं विश्वास के ऊपर, कि आपको विश्वास किसके ऊपर कितना होता है और उस विश्वास से क्या क्या कर सकते हो। आज मैं आपको कह सकते हैं एक कहानी बताने वाला हूँ जो पूरा कह सकते हैं विश्वास के ऊपर बनाई गई। कह सकते हैं हमारे क्लास 10th की यूपी बोर्ड की इंग्लिश की सब्जेक्ट इंग्लिश की है, कह सकते हैं चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। एक पत्र लिखा जाता है जो कह सकते हैं भगवान के नाम का पत्र होता है, ठीक है। इतनी विश्वास होती है कि भगवान के नाम के पत्र लिख के भगवान से कुछ मांगा जाता है। तो चलिए आज हम कह सकते हैं इस कहानी को पढ़ते हैं और सबसे शॉर्ट तरीके से सीखेंगे कि इस कहानी में कह सकते हैं कहा क्या गया था। तो आप देख सकते हो ये हमारे कह सकते हैं चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड क्लास 10th की कह सकते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश से चैप्टर नंबर 1 का। इसके कह सकते हैं राइटर जो है जीएल फाउंटेंस है। कौन है? जीएल फाउंटेंस है। और कह सकते हैं इन्होंने क्या लिखा है और कह सकते हैं इस कहानी में हमको समझाया क्या है, इसको सीखेंगे। ध्यान से सुनिए हमारी पूरी कहानी को। कह सकते हैं इस हमारी पूरी कहानी के विश्वास के ऊपर बनाई गई, तो आपको हमने पहले बता चुके हैं। इसमें कह सकते हैं एक हमारा किसान होता है जिसका नाम होता है लिंचो। एक किसान होता है जिसका नाम होता है लिंचो। वो दिन रात कह सकते हैं एक करके मेहनत करके अपने खेतों में काम करता रहता है। काम करने के बाद कह सकते हैं उसके घर वाले और कह सकते हैं उसके छोटे छोटे बच्चे भी उसके साथ उसके खेतों में मदद करते रहते हैं। कह सकते हैं उसके खेतों में बस कह सकते हैं एक बारिश की आवश्यकता होती है। वो भगवान से ही प्रार्थना करते रहते हैं कि भगवान एक बारिश करा दे, बस हमारी फसल सबसे अच्छी हो जाए। अब कह सकते हैं जब घर पे वो शाम को जाता है कह सकते हैं खेतों से खाना खाने बैठता होता है, कह सकते हैं तुरंत कह सकते हैं बारिश होने लगती है। तब कहती है कह सकते हैं लंचो अपनी पत्नी से कहता है कि आज बारिश हो रही है, हमने अभी कह सकते हैं दोपहर में या कह सकते हैं अभी हमने सुबह के टाइम में भगवान से ही प्रार्थना की थी कि बारिश हो जाए, हमारी फसल सबसे अच्छी हो जाए, इससे इस साल हमको सबसे अधिक मुनाफा होगा, ठीक है। फिर कह सकते हैं बारिश होने लगती है, वो बाहर निकल के आके देखते हैं तो जो लंचो भैया के कह सकते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कह सकते हैं जाके बारिश में खेलने लगते हैं। और कह सकते हैं जो लंचो होता है जब देखता है बारिश को होती है तो बहुत खुश होता है, उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है। फिर कह सकते हैं लंचो जो देखता है बारिश की बूंदों को तो कह सकते हैं जो वो पति अपनी पत्नी से कहता है कि देवी जी आप देख रही हो जो कह सकते हैं छोटे छोटे बूंदे हैं वो हमारे 5-5 के सिक्के हैं और जो बड़े बड़े बूंदे हैं वो 10-10 के सिक्के हैं। तो देवी जी उनकी मतलब पत्नी जी खुश हो जाती हैं कि लंचो आज हमारा खुश हुआ है, ठीक है। फिर देखते ही देखते बारिश होती रहती है। फिर वो कह सकते हैं लंचो थोड़ा सोचता है कि बारिश अब तो ज़्यादा होने लगी, थोड़ा कह सकते हैं बारिश को कम होना चाहिए, लेकिन बारिश कम नहीं होती, वो लगातार होती रहती है। और बारिश के होते होते ओले भी गिरने लगते हैं। ओले को आपको ने देखा होगा या कह सकते हैं सुना होगा, जब बचपन में कह सकते हैं हम सब होते हैं तो हमारे यहाँ बारिश होती थी तो कह सकते हैं छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े गिरते, बर्फ़ के टुकड़े कह सकते हैं या छोटे छोटे पत्थर गिरते थे जो कह सकते हैं हम सब उठा के कह सकते हैं अपने छोटे छोटे कप गिलास इसमें बटोर लेते थे। तो कह सकते हैं वो ओले वहाँ पे उनकी पर्वती कह सकते हैं पर्वतीय इलाका था, इसलिए कह सकते हैं उनके फसल पे इतने गिर जाते हैं जिससे उनकी पूरी फसल ही क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आप सोच लीजिए अभी कह सकते हैं लंचो कितना खुश था और उसके घर वाले कितना खुश थे। और कह सकते हैं देखते देखते ओले इतने गिर जाते हैं जिससे उसकी सारी फसल ही नष्ट हो जाती है। फिर जाके वो अपनी फसलों को देखता है तो कह सकते हैं रोने लग जाते हैं, उसके घर वाले बहुत दुखी हो जाते हैं कि अब तो हमारा क्या होगा, कह सकते हैं हमारे आसपास कोई हमको सहारा देने वाला नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं पूरे साल व्यतीत करेंगे, हमारे पास एक भी दाने का खाने का अन्न नहीं है, ना पैसे हैं, कैसे फसल उगाएंगे। ये सब सोच के सभी लोग रोने लगते हैं और उदास हो जाते हैं। रात भर कह सकते हैं अच्छे से कह सकते हैं खाना भी नहीं खाते हैं, सभी लेट जाते हैं। लंचो कह सकते हैं लेटे हुए सोचता रहता है कि अगर हम कुछ नहीं की तो हमारी फैमिली क्या होगी, भूखी मर जाएगी। तो कह सकते हैं लंचो को कह सकते हैं सबसे ऊपर क्या होता है, भगवान के ऊपर विश्वास होता है। लंचो सोचता है कि अगर भगवान ने हमारे फसल को नष्ट किया है तो भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा उपाय बनाया होगा। वो कह सकते हैं तुरंत कह सकते हैं सोचता है और कहता है भगवान से मैं मॉर्निंग में ही जाऊँगा, सुबह ही जाऊँगा और एक पत्र लिखूंगा कि भगवान आपके कारण हमारा जो फसल है नष्ट हो गया है, अतः आपसे मुझे प्रार्थना है कि मुझे कह सकते हैं कुछ पैसों की आवश्यकता है जिसको आप दे दो और मैं अपना फसल उगाऊं और अपने पूरे वर्ष कह सकते हैं फैमिली को अच्छे रख सकूं, अगले साल कह सकते हैं आपको अपना दान कर देंगे कह सकते हैं या कह सकते हैं थोड़ा मदद कर देंगे, ठीक कह सकते हैं। जैसे मॉर्निंग होता है वो तुरंत कह सकते हैं पोस्टमैन कह सकते हैं डाक खाने पर जाता है और आपको ये चीज़ बता देते हैं। जो हमारा लंचो होता है थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, ऐसे नहीं कि कह सकते कोई किसान होता पढ़ा लिखा ना, पोस्टमैन कह सकते हैं डाकखाने पे जाता है, डाकखाने पे कह सकते हैं चिट्ठी मांगता है, चिट्ठी में कह सकते हैं अपनी पूरी ब्यौरा लिखता है कि हे भगवान आपसे मेरी प्रार्थना है कि हमारे पूरे फसल कह सकते हैं रैन या कह सकते हैं हेल स्ट्रॉन्ग की गिरने की वजह से नष्ट हो गए,
अतः मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, मुझे 100 पैसों आप दे दीजिए जिससे मैं अपनी खेती कर सकूं और अपने बच्चे और कह सकते हैं अपनी देवी या पत्नी जी को आराम से कह सकते हैं पाल पो सकूं और अपना जीवन यापन कर सकूं। अब सोच लीजिए कि भगवान से कह सकते हैं वो प्रार्थना करके एक पत्र लिखता है कि मांगता है। अब सोच लो भगवान का नाम पे कह सकते हैं पत्र लिखोगे आप और भगवान का एड्रेस डालोगे भगवान का। अब सोच लो भगवान के ऊपर वो विश्वास करके पत्र लिख देता है और कह सकते हैं वहाँ की जाके कह सकते हैं एक स्टिकर लेके चिपका के और कह सकते हैं वहाँ की डिब्बे में डाल देता है। अब वहाँ के कह सकते हैं कर्मचारी से आपको जब कह सकते हैं सारे सूचना पत्र निकालते हैं तो उसमें लेंचो का पत्र मिलता है। वहाँ के कर्मचारी कह सकते हैं लेंचो का पत्र पढ़ते हैं तो देखते हैं जो एड्रेस है उसका गॉड के उसका नाम गॉड है। आप कह सकते हैं वो कह सकते हैं एड्रेस को खोलते हैं पत्र को खोलते हैं और कर्मचारी उस पत्र को पढ़ते हैं। पहले कह सकते हैं सभी कर्मचारी कह सकते हैं जो कर्मचारी पढ़ता है वो थसता है। फिर कह सकते हैं अपने वहाँ की कार्य कह सकते हैं कार्यालय के जो पोस्ट मास्टर होता है उसको विले जाके दिखाता है कि देखो ये बेकू भैया आए हैं जो कह सकते हैं भगवान के नाम पर पत्र लिखे। फिर कह सकते हैं जब पोस्ट मार्टम देखता है भगवान के नाम पे पत्र लिखा तो वो भी हंसता है और वहाँ के सारे कर्मचारी भी हंसते हैं। लेकिन क्या होता है जो पोस्ट मास्टर होता है सबसे अच्छा होता है। पोस्ट मास्टर ने जब सारी चीज़ों को पढ़ा तो वो सीरियस हो गए। उसने सोचा कि किसी व्यक्ति का भगवान के प्रति इतना विश्वास है तो उस विश्वास को भगवान के प्रति थूकने नहीं देना चाहिए, उसकी हमको सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो क्या करते हैं वो जो पोस्ट मास्टर होता है सभी अपने कार्यालय के सभी लोगों से कुछ ना कुछ कह सकते हैं जो होते हैं पैसों से इकट्ठा करते हैं और अपने कह सकते हैं तनख्वाह में से भी कुछ पैसे उसमें रखते हैं और कह सकते हैं सारे पैसे इकट्ठे करने के बाद उसमें मात्र 70 से 70-70 पैसे उस कह सकते हैं इकट्ठे होते हैं और 70 पैसे इकट्ठे होने के बाद वो कह सकते हैं उसी पर रख के रख देते हैं। फिर मॉर्निंग में कह सकते हैं जब सुबह होती है रात होके तो कह सकते हैं सुबह होती है तो लेंचो भी ना आता है। देखो भगवान के प्रति उसको इतना भरोसा होता है कि भगवान को हमने पत्र लिखा है भगवान जरूर ना जरूर तो हमारे लिए कुछ भेजे होंगे। वो आता है पूछता है कि हमारे लिए कुछ कह सकते हैं आया है तो वहाँ के कर्मचारी हंसते हुए कह सकते हैं लीजिए भैया आपके भगवान के नाम का पत्र आ चुका। वो पैसे देखते हैं कह सकते हैं तो लेंचो देखता है तो कुछ नहीं देखता सिर्फ पैसों की गिनती करता है। पैसों की गिनती करता है तो कह सकते हैं वो इतना चौंकता भी नहीं कि भगवान उसको पैसे दे दिए, उसको इतना भरोसा होता है। कह सकते हैं पैसे गिनता है पैसे गिनने में कह सकते हैं उसको जब गिनता है पैसों तो मात्र 70 पैसों होते हैं 100 पैसों नहीं होते। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो फिर से कह सकते हैं पत्र लिखता है और उसमें ये लिखता है कि हे भगवान आपके ऊपर हमको संपूर्ण विश्वास है कि आप मेरे लिए 100 पैसों से भेजे होगे। लेकिन यहाँ के कर्मचारी पोस्ट मास्टर कह सकते हैं बहुत बेईमान है और कह सकते हैं उल्टा सीधा करके कि ये कह सकते हैं आपने 100 पैसों भेजा और पैसों सारे खा गए। ठीक है, अतः कह सकते हैं ये कहानी आपको पता लग गई होगी कि विश्वास के ऊपर है। अब चलिए शॉर्टकट में आपको रिपीट करा देते हैं। सबसे पहले देखिए यूपी बोर्ड चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश है, राइटर इसके कौन है जीएन फाउंटेंस। हमारे लेंचो भैया कौन है लेंचो। लेंचो कह सकते हैं दिन रात खेतों में काम करते रहते हैं, उनको किस चीज़ की आवश्यकता होती है मात्र एक बारिश की आवश्यकता होती है। कह सकते हैं लेंचो को किस चीज़ की आवश्यकता होती है, लेंचो एक फार्मर होता है और फार्मर अपने खेतों में काम करता है तो आप भी जान सकते हो और देख सकते हो। लेंचो कार कहाँ करता है वर्क इन द फील्ड और रोड। कह सकते हैं लेंचो दिन रात अपने खेतों में काम करता रहता है और हमेशा यही आशा रखता रहता है कि कह सकते हैं आपकी वर्ष हमको बहुत अधिक मुनाफे होंगे। फिर कह सकते हैं कार करते हुए एक्सपेक्टिंग रेन फॉल, कह सकते हैं वो बस कह सकते हैं एक्सपेक्ट करता है कि भगवान से प्रार्थना करता है एक्सपेक्ट करता है काश एक बारिश हो जाती तो खेत में मजा ही आ जाते हैं। तो कह सकते हैं वो कह सकते हैं एक्सपेक्ट करता है कि बारिश हो जाए काश तो मजा आ जाएगा। फिर कह सकते हैं बारिश कह सकते हैं जब वो खेतों से कार करके घर चला जाता है वही बताया जो आपको खाना खा रहा होता है तो बारिश होने लगती है और बारिश होते होते कह सकते हैं वो इतना जो एक्सपेक्ट किया था वो जान जाता है कि भगवान उसकी सुन ली। फिर सभी आगे कह सकते हैं उसके जो सेनापाती होते हैं बच्चे खेलने लगते हैं और पत्नी को कह सकते हैं अपनी पत्नी से वो कहता है जो बारिश की बड़े बड़े बूंदे आपको दिख रही हैं वो हमारे 10-10 पैसों के हैं और कह सकते हैं जो छोटे छोटे बूंदे हैं वो 5-5 पैसों के। बारिश होती रहती है। फिर कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रॉय ऑफ द क्रॉप, कह सकते हैं उस बेचारे की कह सकते हैं जो बारिश होते होते कह सकते हैं उसमें हेल स्ट्रॉम मिलते हैं छोटे छोटे कह सकते हैं पत्थर के कह सकते हैं बर्फ के जो बूंदे गिरते हैं वो उसको हेल स्ट्रॉम कहते हैं। सारी फसल को उसके क्या कर देते हैं मुंह देते हैं नष्ट कर देते हैं। वो दौड़ के जाके अपने खेतों को देखता है तो सारी फसल उसकी नष्ट हो जाती है और रोने लग जाता है कह सकते हैं और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान काश कह सकते हैं ये जो टिड्डे होते हैं ये हमारे खेतों में लग गए होते तो इतना फसल नष्ट नहीं होता कुछ ना कुछ तो बच जाते।
लेकिन कह सकते हैं ये हेलस्टोन जो है सारे फसल को ही नष्ट करते हैं। क्लियर। फिर कह सकते हैं राइट अ लेटर टू गॉड, लेकिन लेंचो हार नहीं मानता है। लेंचो को कह सकते हैं सारी फसल नष्ट हो गई, एक भी पैसे चिप नहीं है, तब भी उसको विश्वास होता है कि भगवान ने उसकी कह सकते हैं दुर्घटना की है तो कुछ ना कुछ जीवन के बारे में सोचे होंगे, उसको कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। तो भगवान से कह सकते हैं एक्सपेक्ट करता है कह सकते हैं, और क्या करता है भगवान के नाम एक पत्र लिखने को सोचता है कि भगवान के नाम एक पत्र लिखूंगा और भगवान से कहूंगा भगवान मैं इतने प्रॉब्लम में हूँ मेरी सहायता प्रदान करो। फिर क्या करते हैं पोस्ट मार्टर रीड द लेटर, उसवा ही कह सकते हैं जाता है और भगवान के नाम एक पत्र लिखता है और उसमें कह सकते हैं अपनी पूरी प्रॉब्लम को बता के डाल देता है। फिर कह सकते हैं पोस्ट मार्टर रीड द लेटर, कह सकते हैं जो लेंचो का पत्र होता है सभी वहाँ के कार्यालय के लोग और वहाँ के पोस्ट मास्टर पढ़ते हैं तो कह सकते हैं सभी बहुत हंसते हैं पहले, लेकिन जो पोस्ट मास्टर होता है सबसे अच्छा होता है। कह सकते हैं जब उसकी भावनाओं को समझता है कि लेंचो की क्या क्या समस्याएं हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं तो सीरियस हो जाता है और सभी को कहता है कि इस व्यक्ति को भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, इसलिए इसकी भरोसा को हम टूटने नहीं दे सकते, इसलिए इसकी हम कह सकते हैं अपने तनख्वाह या अपने वेतन से कुछ ना कुछ पैसों से इकट्ठे करके मदद करेंगे जिससे इससे भगवान की विश्वास न टूटे। पोस्ट मास्टर कह सकते हैं रीड द लेटर, इतना सोचना। फिर क्या होता है ही हेल्प लेंचो, कह सकते हैं पोस्ट मास्टर सभी कह सकते हैं अपने कर्मचारियों से कुछ कुछ पैसे उस लेके इकट्ठे करते हैं और कह सकते हैं लेंचो के लिए रख देते हैं। लेंचो मॉर्निंग होता है आता है पूछता है कि भगवान ने हमारे लिए कुछ भेजा है, कह सकते हैं जब वो देखता है तो मात्र कह सकते हैं उसमें 70 पैसे होते हैं। लेंचो को गुस्सा आ जाता है, वो पत्र फिर से लिख के लिखता है कि भगवान आप दोबारा हमारे लिए कह सकते हैं जो पैसे भेजे हैं वो कह सकते हैं इसके द्वारा ना भेजना, डाक खाने के द्वारा यहाँ के कर्मचारी बहुत बेईमान और चोर हैं, इन्होंने हमारे 30 पैसों खा गए, अतः जब आप अगले चक्कर पैसों भेजना तो कह सकते हैं मनी ऑर्डर के द्वारा भेजना, मतलब डाक से भेजना। आप सोच सकते हो लेंचो भी जिन्होंने मदद किया लेंचो उसको चोर कह रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं सबसे मेन पॉइंट इसमें आपको कहानी में समझ में आ गया होगा कि एक जो व्यक्ति उस व्यक्ति को किसी के ऊपर इतना भरोसा है कि वो सोचता है उसकी जरूर मदद करेगा। मेन पॉइंट विश्वास ही है, चाहे आपको किसी के भी ऊपर भरोसा हो या विश्वास हो तो उसको इतने तक बना के रखिए वो कभी टूटने ना पाए। क्लियर। वो कभी टूटने ना पाए, उसमें आप कह सकते हैं इतने खो जाइए कि आठ मोड़ के वो कहे कि आप छत से कूद जाओ तो छत से कूद जाओ क्योंकि वो आपके बारे में अच्छा ही सोचा होगा। छत से कूदने के लिए हम ये नहीं करेंगे बाहर कूद जाना, छत से कूदने के लिए करें छत पे एक बार आप कूद के कह सकते हैं उसी पे रह सकते हो ना, इतना क्लियर। आप कह सकते हैं भगवान के नाम पत्र ना लिखना, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप कह सकते हैं खुद कह सकते हैं ईर्ष्यालु और स्वार्थी हो। जय हिंद जय भारत।